हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यूरा यूट्यूब चैनल। ये मेरा चैनल सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि देखिए, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप अभी किसी भी क्लास में हो, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। और अगर अभी आप अपना बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तो आपको इन फ्यूचर में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये मैटर नहीं करता कि आप लोग कौन से क्लास में हो, मैटर ये करता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैथ्स में सबसे पहले अपन का आता है, हम लोग का आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर किन्हें कहते हैं? तो जो हिंदी की गिनतियां होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उन्हीं को अप टू इनफाइनाइट, उन्हीं को काउंटिंग नंबर कहते हैं। और इन्हीं काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका मतलब जो काउंटिंग नंबर होती हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। तो अपन के नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वही होते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं। और काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इनफाइनाइट होते हैं। इसके बाद अपन का नेक्स्ट टॉपिक आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो इसमें अपन को वर्ड स्पेलिंग दिख रही होगी होल की, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल। इसमें जो W वर्ड है ना, ये W वर्ड क्या रहता है? साइलेंट वर्ड रहता है। तो यहाँ पे जो अपन की नई स्पेलिंग आई वो है HOLE, होल। होल मतलब होता है एक सुराग या छेद। ये देखिए, सुराग या छेद बना हुआ है। और ये किसकी तरह दिख रहा है? ये हमको जीरो की तरह दिख रहा है। इसका मतलब होल नंबर वो होते हैं जो जीरो सुराग होता है। और सुराग को क्या बोलते हैं? मतलब सुराग को अपन और क्या समझ सकते हैं? तो जीरो समझ सकते हैं। तो होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आपके होल नंबर लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब जो होल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद जो जीरो के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। दैट मीन्स होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जीरो प्लस नेचुरल नंबर होता है। अब यही नेचुरल नंबर और होल नंबर से रिलेटेड अपन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। चलिए पहले अपन उसको देखते हैं, नोट पॉइंट्स है। पहली नोट पॉइंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो सही है। जितने भी यहां से नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं और सारे नेचुरल नंबर अप टू इनफाइनाइट तक होते हैं, वन से लेकर के अप टू इनफाइनाइट, तो होल नंबर भी क्या हुआ? सारे नेचुरल नंबर अपन के होल नंबर होते हैं। फिर अगला लिखा हुआ है द नंबर जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, कि जो नंबर जो जीरो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो सही बात है, जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो एक क्या नंबर है? जीरो जो होता है वो होल नंबर होता है, और जीरो के बाद सारे जितने भी नंबर है वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपन का, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कि अभी अपन देख चुके हैं जो हिंदी की गिनतियां होती हैं उन्हीं को अपन नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब जो अपन के काउंटिंग नंबर होते हैं वही अपन के नेचुरल नंबर होते हैं। अभी मैंने ये चीज बताया था कि काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं। इसके जस्ट बाद अपन का आता है, पूछता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट विद वन और होल नंबर स्टार्ट विद जीरो। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो ग्रेटर देन है स्मॉलेस्ट होल नंबर के। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो होता है और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन होता है। ये तो सही बात है कि अपन के जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर से। क्यों? क्योंकि जीरो से वन बड़ा होता है। अब अपन का आता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? यूनिट डिजिट, जैसे यहाँ पे आपका नंबर लिखा है 5, 6, 8, 7, 2, इसमें जो ये 2 है ना, ये इसका यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है। इसी तरीके से 4, 6, 8, 7, 9, इसमें जो ये 9 है ये इसका इकाई का अंक है यानी यूनिट डिजिट है। इसकी अपन को जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपन इवन नंबर में कुछ नए चीजें सीखेंगे कि इवन नंबर क्या होता है, उसमें हमको यूनिट डिजिट की जरूरत पड़ेगी। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्याएं। अब अपन बुक की लैंग्वेज देखते हैं कि बुक में क्या लिखा रहता है। अपन के टीचर भी वही बताते हैं कि द नंबर डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो एक इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे अपन के नंबर दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 7, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो लास्ट मेरा जो रिमाइंडर है वो 1 बचा।
इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अपन का 24720, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, लास्ट में हमारा इसमें 0 आया, दैट मीन्स इसका रिमाइंडर 0 है। इसके वजह से जो अपन की बुक की लैंग्वेज है तो ये बोलती है कि जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो अपन का इवन नंबर होता है। इसका मतलब ये अपन का इवन नंबर है और ये अपन का ऑड नंबर है। अब आप लोग को 2 की टेबल तो लर्न होगी क्योंकि हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है 2 की टेबल, तो हम लोग चलते हैं 2 की टेबल के ऊपर। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। अब आप बोलोगे इनसे टेबल भी लिखते नहीं आती, आधी टेबल इधर आधी टेबल इधर लिखा है इन्होंने। तो ये हमने इसलिए लिखा है कि हम आपको यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट समझा सकें। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 4 6 8 0, इसका यूनिट डिजिट देखिए 2 4 6 8 0, यूनिट डिजिट 2 4 6 8 0। इधर पे भी देखिए 2 4 6 8 0, तो ये तो 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये एक इवन नंबर है। तो यहां से अपन का एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर यूनिट डिजिट किसी भी डिजिट की, किसी भी बड़े से बड़े डिजिट की, बड़े से बड़े नंबर की, अगर यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक 2 4 6 8 0 होगा तो वो अपन का इवन नंबर होगा। यहाँ पे अपन कुछ चेक करते हैं। चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से लेकर के 30 तक काउंटिंग नंबर दैट मीन्स नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। तो चेक करते हैं अपन 1 से लेकर के 30 तक। तो यहाँ पे देखिए इसका यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 4 2 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 6 2 से डिविजिबल है, इसी तरीके से 8 भी डिविजिबल है, 0 भी डिविजिबल है। फिर यहाँ पे देखिए इसका यूनिट डिजिट 2 है, ये डिविजिबल है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, ये डिविजिबल है, इसका यूनिट डिजिट 5 है और ये डिविजिबल नहीं है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा। यूनिट डिजिट 6 है, 2 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 8 है, 2 से डिविजिबल है, इसी तरीके से यूनिट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल है। 22 लास्ट का यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, 24 लास्ट का यूनिट डिजिट 4 2 से डिविजिबल है, 26 लास्ट का यूनिट डिजिट 6 2 से डिविजिबल है, इसी तरीके से 28 लास्ट का यूनिट डिजिट 8 ये भी 2 से डिविजिबल है, एंड लास्ट यूनिट डिजिट 0 ये भी 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे एंड लास्ट मैंने बोला, बाकी नंबर्स की कोई भी एंडिंग नहीं होती, नंबर इनफाइनाइट होते हैं। अब चलिए यहाँ पे अपन एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिट डिजिट को लेकर के। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2 6 8 4 4, 5 6 7 2 5, 5 6 7 2 6, 5 0 6 3 2 1, 1 5 6 0 7 0, 8 6 7 3 2। तो इसमें अब हम अपन के इसको चेक कर रहे हैं इवन नंबर है कि नहीं है, मतलब सम संख्याएं हैं कि नहीं है। तो अपन इनके उठाते हैं और यूनिट डिजिट सबके चेक कर लेते हैं। अगर यूनिट डिजिट 2 4 6 8 0 है तो अपन का ये एक इवन नंबर है, और अगर यूनिट डिजिट 2 4 6 8 0 नहीं है तो अपन का ये इवन नंबर नहीं है। चलिए चेक करते हैं, 2 इवन नंबर है, मतलब जो फर्स्ट है इसमें 2 से ये 4 डिविजिबल है, यानी 4 है इवन नंबर। यहाँ पे 5, अरे ये तो 2 4 6 8 0 था, ये तो 5 आता ही नहीं है, यानी ये इवन नंबर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ का यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट है 1, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि हमको लास्ट का यूनिट डिजिट देखना था 2 4 6 8 0, और यहाँ पे आ रहा है यूनिट डिजिट 1। इसके ये वाला नंबर देखिए, इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसके लास्ट में 2 आ रहा है इसका यूनिट डिजिट 0 है। तो अपन का फर्स्ट नंबर इवन नंबर है, अपन का थर्ड नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये अपन का इवन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 ये इवन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 ये इवन नंबर है, सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन नंबर अपन के इवन नंबर नहीं, ये एक ऑड नंबर है। अब इसके बाद देन हम लोगों का आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। अब अपन की ये बुक की लैंग्वेज का लिखा हुआ है, सब आप लोग ये सब नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि आपको फिर जब आप कभी रिवाइज करने के लिए बैठे तो आपको सब याद रहे, क्योंकि हम लोगों को कोई भी चीज लर्न करने के लिए मिनिमम उसको वीक में देखना ही पड़ता है। आप एक दिन देखो, दो दिन देखो, तीन देखो, अगर आपने एक वीक तक किसी भी चीज को देख लिया तो वो आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा, अच्छे से रिमेम्बर हो जाएगा, देन आपको रिमाइंड रहेगा। द नंबर बुक की लैंग्वेज है, द नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज एन ऑड नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है वो एक ऑड नंबर होता है, यानी विषम संख्याएं होती हैं। इसको भी अपन चेक करते हैं। तो 1 से लेकर के यहाँ पे 30 तक नंबर लिखे हुए हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से डिविजिबल है, 3
थ्री टू से डिविजिबल नहीं है, फोर टू से डिविजिबल है। अपन यूनिट डिजिट चेक करके इसको पहले इवन नंबर साइड करते हैं। तो यूनिट डिजिट टू, टू से डिविजिबल, यूनिट डिजिट फोर, टू से डिविजिबल, यूनिट डिजिट सिक्स, टू से डिविजिबल, यूनिट डिजिट एट, ये भी टू से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट जीरो, ये भी टू से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट टू, ये टू से डिविजिबल है, फोर सिक्स एट जीरो, टू फोर सिक्स एट जीरो। तो ये जितने नंबर थे, ये नंबर आपके, ये वाले नंबर, इन नंबर को हटा करके बाकी जितने नंबर बचे हैं आपके, तो वो आपके ऑड नंबर है। दैट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29, ये आपके ऑड नंबर है सारे। अब आपको यहां से एक चीज और दिख रही होगी कि मैंने इनको सर्कल करके रखा है, बंद करके रखा हुआ है, तो वो इसलिए क्योंकि जैसे अपन के इवन नंबर में था कि यूनिट डिजिट अगर 24680 है तो वो अपन का इवन नंबर है, इसी तरीके से ऑड में है कि अगर आपका यूनिट डिजिट 13579 है तो वो आपका ऑड नंबर है। जैसे देखिए 11 में यूनिट डिजिट 1 है, 13 में यूनिट डिजिट 3 है, 15 में यूनिट डिजिट 5 है, 17 में यूनिट डिजिट 7 है, 19 में यूनिट डिजिट 9 है, इसी तरीके से 21 में यूनिट डिजिट 1 है, 23 में यूनिट डिजिट 3 है, 25 में यूनिट डिजिट 5 है, 27 में यूनिट डिजिट 7 है और 29 में यूनिट डिजिट 9 है। इसका मतलब हमको यहां से एक और चीज मिला कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट 13579 है, दैट मींस वो एक ऑड नंबर है। यूनिट डिजिट 13579, इसका मतलब ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। इसका मतलब ये ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है। अब चलिए इकाई अंक आपको पता चल गया, जिसका इकाई अंक 13579 होता है वो आपका ऑड नंबर यानी विषम संख्या होती है। अब चलिए फॉर एग्जांपल इसको भी चेक कर लेते हैं। 2301 इसका यूनिट डिजिट 1 है, ये एक ऑड नंबर है। 54607 यूनिट डिजिट 7 है, ये भी एक ऑड नंबर है। 6255 इसका यूनिट डिजिट 5 है, ये एक ऑड नंबर है। इसमें 9 है, ये भी एक ऑड नंबर है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इवन नंबर को चेक करने के लिए है कि जिसका यूनिट डिजिट 24680 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है और वो एक इवन नंबर होता है। और ऑड नंबर चेक करने के लिए यूनिट डिजिट आपको चेक करना है 13579, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इन चार टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट और लीस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट और लीस्ट नेचुरल नंबर मतलब जो प्राकृतिक संख्या है सबसे छोटा कौन है, नेचुरल नंबर कौन सा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट और लीस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट और लीस्ट इवन नंबर 2 है, क्योंकि इवन नंबर 2 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 ही 2 से डिविजिबल है, 1 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता। फिर आता है स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 1 है। स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑड नंबर 1 है। फिर आता है स्मॉलेस्ट लीस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट या लीस्ट होल नंबर, तो होल नंबर अपन के 0 से स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट और लीस्ट होल नंबर 0 है। अब अपन का फिफ्थ क्वेश्चन है, जीरो इज अ नेचुरल नंबर। जीरो एक नेचुरल नंबर है? नहीं, जीरो मतलब तो होता है एक गोल सा, ये जिस तरीके से छेद बना हुआ है, गोल सा होल बना हुआ है, होल, डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, दैट मीन्स होल नंबर है। जीरो क्या है? जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं, जीरो एक होल नंबर है। इससे रिलेटेड आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।